तो जी हलवा हमारा बनकर इस वक्त तैयार है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। तो बेटा मैंने कार्ड का जिसे उबाल दिया था और कम से कम ये एक से डेढ़ घंटा हो गया, दो किलो मैंने बैठा लिया था। और ये देख लो, क्योंकि पहले इसके दो पानी मैंने निकाल दिए थे जो ज़्यादा गर्म था, जो ज़्यादा गर्म थे। वैसे कहते प्लास्टिक इसमें कहते क्या, पर हमें भी पता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जो दूसरा चलना है ना मेरे पास स्टील वाला, वो पूरे पेट में पड़ा हुआ था या कुछ सामान कहीं ढूंढ रहा है, कोई सामान कहीं ढूंढ रहा है, इसलिए मैं कब से ठंडा कर दूँगा। अच्छे इसकी चाशनी बनाऊँ तो बना रही थी अपनी यही वाली वीडियो, और उस टाइम मैंने दूसरे चैनल पर अपने उससे का इजहार किया कि अपने हक के लिए बोलना चाहिए, अपने हक के लिए बोलना चाहिए। तब इसे ठंडा कर दूँ तो मैं चाशनी वगैरह बनाते हैं, इसे पकाते हैं। अकेले में लगे हुए हो? और मम्मा क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? इसमें छींचे गिरी। नहीं इसमें से ना, मुझे लगता कुछ गिरा है। ये रेत पे गिराते हैं बट्टे। तेरे क्या बीच में गिराया हुआ है? तेरे शॉप की पेंसिल है, इसके अलावा बर्तन क्यों क्या है? बट्टे रेत। कढ़ाई मांज के दी थी, ये देखे फिर भी साफ नहीं हो रही है, दो तीन बार फिर काले तेल से ये अच्छी तरह मांझनी पड़ेगी। तो नहीं रोटी लग जाएगी। और अहमद घर है क्या? नहीं अहमद घर नहीं है, वो हफ्ते बाद आता है, मुझे अब काम पे चल जाता है। ये बात है कि अच्छा जो कल बाल्टी में अपना सामान रखा था ना मेरा बच्चा, तो उसके बीच में वो है क्या नाम है इसका, इलायची वगैरह वो ला दें, क्योंकि बाकी दूसरे तो मसाले दूसरी चीज़ें भी इसमें नहीं डालूंगी, वो जब पता माएंगे तो वो अपने लिए जो उनका दिल करेगा वो डाल। ये घी जी, ये हमारे घी और आधा गिलास इसमें डाल दें, पहले तो डालें इसमें चीनी, क्योंकि पेट के कंधा में इसमें चीनी तेजी अच्छी लगती है। ये अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारी अम्मी बनाया करती थी, फिर हमें जब वो बनाती नहीं पता क्या करते थे, आधा जो मसाला मिर्च मसाला वाला बना लेती थी, आधा मीठा बना लेती थी, क्या मिर्च मसाले वाला, हाँ जी मसाला वाला, ज्यादा टमाटर डाल कर लो, अम्मी जी ने बना लिया करती थी। तो वो कहते हैं जिसका दिल चाहता है वो मीठा खा रहे, जिसका दिल चाहता है वो ये खा रहे, तो हम ज्यादा यही पसंद किया करते थे, यही खाते थे, हम मीठे खाते थे। तो ऑफिस के बाद जब पेट बनाया तो पेठा तो मैं सालन में तो अपने कम ही बनाती हूँ, लेकिन हाँ जी ये ज्यादा बनाती हूँ चीनी वाला। ये पहली दफा आ रही है ना जी, ये पहली दफा वीडियो आ रही है, बस दूसरी दफा आ रही है ये मेरे चैनल पे वीडियो पहले बता। तला क्या लेके आ रहे हो? हमारे मुलाम के दो बार पूछे तो दूसरी बार रही वीडियो देखी थी ना, बर्सा बनाया बैठ जाओ बजरानी ने बनाए दही भल्ले और उन्होंने ये भेजे हैं मेरे पास। चले जब रोटी लगकर आ जाएगी फिर हम
अच्छा मेरा बेटे फ्रिज में रख दे। तो जी इसका मैं निकाल रही हूँ पानी अच्छे से। मम्मा वो दूर से काटते थे वो तो गायब हो गए। तो वो गायब ही होंगे जो काटते थे। पर ऐसे ही रह जाते हैं। अच्छे से पानी में छोड़ दूंगा इसे। कैसे मुझे लाइची का दोगे बेटा? लाइची एक दफा मम्मा ने दूसरे चैनल पर डाली थी वीडियो। ये हाँ जी जो है शुरू की मेरी वीडियो है सर्दियों में मम्मा करती। मैं भी इतनी तो वीडियो चैनल पे कि मतलब चैनल पे कौन सी वीडियो चढ़ी नहीं है, हमने क्या सुनाया हुआ, हमने क्या नहीं बनाया हुआ। सर्दियों में ना मम्मा दाल वाला हलवा बनाते थे, इतने मजे होते थे। दाल का हलवा, बेसन का हलवा, दाल की टुकड़ियां, ये वो सारा कुछ बनाते थे। मतलब क्या करते हैं चैनल में है ना मम्मा। आपको आती है बनानी? आपको आती है बनानी? जी? आपको आती है बनानी? जी सब कुछ आता है, अगर जितना आता है ना अल्लाह का शुक्र है। बाकी जो नहीं आता है वो भी सीख लेते हैं। मम्मा ये चाट क्यों बन गई घी के? चाशनी पक रही है। चाशनी मुझे इलायची नहीं ना दिया ला दो। तो जी इलायची की एक्स्ट्रा को नहीं मिली, मैंने कहा मामू से कहें क्योंकि रात के टाइम में सब भी देखती थी। मैंने कहा मामू के पास जाओ, मामू से कहें आपको इलायची भी दे दे, गली भी दे दे, किसी भी सही है। और बस बस चीची भी चाहिए आपको? लो भाई चीची तो लाल में खड़ी है ना। फिर दही भले रखना भूल गए फ्रिज में, ठंडे ही हो जाएंगे। काफी देर लगती है इसके पकने में ना, बहुत देर लगती है। तो जी हलवा हमारा बनकर इस वक्त तैयार है, क्योंकि ये पीला पेठा नहीं था, ये दूसरा पेठा था, अभी पीला नहीं आया था। अब भाई को क्या पता था कि कैसा लेना है कैसा नहीं। मैंने भी किशमिश करीब इसी में ऐड कर दी है और घी देख लें सारा अलग से हो गया हुआ है, और अब मैं इसे घी को ऐसे कर लूँगी अलग से ताकि जितना भी घी है सारा, ज़्यादा इसकी भुनाई के लिए हमें घी तो चाहिए होता है, मगर इसे जो इंसान ना हम अलग कर लेंगे इस घी को। भुनाई हो गई है बहुत, और माशाल्लाह इसके पकने में कितनी देर लगी, एक शायद 2-2.5 घंटे लगे। एक घंटा तो इसे उबलने में लगा, एक घंटे से ज़्यादा इसे पकने में लग गया। तो ये जी देख ले सारा घी वापस आ रहा है, क्योंकि बहुत कम घी लेता है लेकिन भुनाई के वक्त बहुत ज़्यादा लेता है। जी बेटा बेटा होता कितने सारे भी बल पीते थोड़ा क्या। ये 2 किलो पेठे का ये हलवा है बस, ये देख ले। तो कैशा ने मुझे आटा छान कर यहाँ पे रख दिया हुआ है, तो मैंने कहा जाहिर है अब मैं कहाँ से किसे भेजूँ रोटी लगवाने के लिए, भाई तो शॉप पर बैठे हैं। अच्छा बेटा मुझे पानी भी दे दो, ठीक है फिर यहाँ की सफाई करते हैं बाद में, थोड़ी देर आराम करके ना, पहले आटा गूंदूंगी फिर 10 मिनट लेटूंगी, उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी, और टाइम भी 7:45 का हो चुका है। अच्छा ने मुझे पानी दिया सॉस पैन में, इसमें चाय बनती है, और जो भी चाय बनाता है ना तो वो माशाल्लाह सबसे पहले चाय वाला बर्तन ही चला देता है। और मेरा झगड़ा यही होता है कि अल्लाह का वास्ता चाय वाला बर्तन इतना ना जलाया करो, कम आंच करके चाय बना लिया करो। जी मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ, लेकिन आपने हाथ नहीं अपने गंदे से मेरे गाने या फिर हाथ धो के चला उठ जा, हाथ कहीं हाथ लगाए ना, हाथ धो के ना मेरा बेटा प्यारा सा। कहते मामा मैं तो गूंदू, मैंने कहा नहीं आपने, इसे बहुत शौक है आटा गूंदने का, झाड़ू का। जी मैंने मेहंदी लगानी है। मेहंदी लगानी है आपने? मेहंदी भी इसने लगानी है भाई, सारे लड़कियों वाले काम है। लिपस्टिक ये लगाता है, आईशैडो ये लगाता है, आईशैडो की एक्चुअली छोटी सी लेके दी हुई थी, मेहंदी ये लगाता है, मेहंदी इसने लगानी होती है, सारे लड़कियों वाले काम है, मेहंदी लगानी है आपने, आटा इसने गूंथ ले। उंगली पे भी लगानी है मैंने,
कहाँ कहाँ लगानी है बाबा जी? कहाँ कहाँ लगानी है बताओ? अच्छा पहले अपना मुंह धोके। मम्मा जी ये चूड़ियाँ कितने वाली है? ये चूड़ियाँ ये सस्ते वाली है, ये भी सस्ते वाला है, ये सोने का नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। ये देख मैं, क्योंकि मेरे हाथ में चूड़ियाँ नहीं थी ना इसमें, तो फिर मैंने कहा हाथ एकदम से ना खाली अच्छा नहीं लगता। उन्होंने जी रोटियां हमारी बन चुकी हैं, आज हिम्मत पकड़ी है थोड़ी सी, बन रही है बस एक रोटी रहती है। मामा जी सुबह की भी साथ बना ले। अच्छा सुबह की नहीं तो मैंने सारे रोटियां नहीं है, पापा ने और मामू जी ने बनाई। हाँ जी क्या कह रहे हो? ये भी भाई को गोली मार जाए, ये भी भैया ने इसको गोली मारी है, इसने ये भी भैया को मार दिया। ओए आपने उन्हें को गोली मार दी? अच्छा 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 ऐसे गोली मारी उन्होंने फिर है उन्हें? अच्छा मैंने भी मार दी है ना? हाँ तो जैसे मैंने भी मार दी। कितनी बार कहा हाँ नहीं कहते, जी कहते हैं, क्या कहते हैं? दी। क्या छतरी में से सालन दे दो मुझे, मैं वो भी गर्म कर दूँ जरा। तू जी पर भाभी हमारी आई है आज हमारे घर, और आते ही जो है वो किचन में चाय बनाने लग गई, और अब चाय डालकर लेकर आ रही है। और भाभी तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, चलो माशा। ले आओ ले आओ चाय, ले आओ ले आओ ले आओ। सबसे पहले पेश करें मेरी मैडम। आज भाभी आप भी आ जाओ, ताजे पैदे पहनो भैया, ये जिसने चाय पीनी है। एक वाइद यही तो बनता है, जब आता तो मुझे सुकून मिल जाता है। हाँ जी हाँ, ये तो मैंने अपनी वीडियो में कई बार बताया अपने बहन भाइयों को कि भाभी जब आती है ना तो फिर मेरी टेंशन खत्म हो जाती है, फिर ये जाने दिन का काम चलता है। भाभी खाना खा रही है भाभी जी, खाना खा रही हो जी? चलो खाए आप खाना, तो काके ने भी तंग किया हुआ है, चले कोई नहीं, खैर आप खाना खा लो पहले, ठीक है।